Hello dear students, how are you? The video is prepared and presented by me, Mr. Kuldeep Bhatti. Today we will discuss Chapter 5, Vedic Mathematics. In this chapter, there are three formula discussed: Urdhwtrigbhyaam formula, Nikhilam formula and Dhwajank method. In this particular video, we will only discuss Urdhwtrigbhyaam formula. Okay, multiplication operation by Urdhwtrigbhyaam formula. Now we understand what is this Urdhwtrigbhyaam formula. Urdhva means just above, that is the product of upper and below digit. यानी जो ऊपर और नीचे जो अक्षर लिखे हैं उनका जो multiplication है वो उर्ध्व में आ जाएगा. And the meaning of last word triyak is skew. Skew means tircha. That is product of diagonal digits. जो कोनों पे जो अक्षर है उनका जो multiple होगा वो ये part होगा. तो let us understand by one example. Let us take example number one. Let us multiply 32 and 14. तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ group, सबसे पहले हमें group बनाने हैं. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला जो दिया गया है यहाँ पे, वो फॉर्मूला यहाँ पे है 2n-1, जहाँ पे n है वो जो मल्टीपल होने वाली संख्याएं हैं उनमें मैक्सिमम डिजिट कितने हैं वो नंबर n है. तो यहाँ पे 32 और 14 में हम देखते हैं कि 2 डिजिट के नंबर हैं दोनों. तो यहाँ 2n-1 में हम रखेंगे मान, तो 2 × 2-1 = 3. तो तीन ग्रुप यहाँ बनने वाले हैं. तो इसमें हमने देखा था कि उर्ध्व और त्रियक ये अलग अलग है. उर्ध्व मतलब जैसे तीन के नीचे एक है और दो के नीचे चार है, तो ये दो ग्रुप बनेंगे. और त्रियक मतलब तीन, तीन का चार से और एक का दो से ये मल्टीपल होगा. तो ये इस तरह से हमने ग्रुप बना लिए, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 4. ओके, अब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 3 × 1 3 × 1 3 × 4 1 × 2 2 × 4. इनको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 3, 14 और 8. हम इनका यूनिट नंबर लेते हैं, यूनिट डिजिट. ओके, मतलब हम जो दहाई पे जो नंबर है वो नहीं लेंगे, यूनिट वाला नंबर लेंगे. तो 3, 4, 8 और जो दहाई वाला नंबर है उसको एक नंबर आगे ऐड कर देंगे. तो 1 है वो 3 के नीचे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 4, 8. तो ये सिंपल एग्जांपल था. अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ये 3 डिजिट नंबर है. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 45 बाय उर्ध्वतृग्भ्याम मेथड. तो 1, 2, 3 डिजिट नंबर है, तो हम फॉर्मूला हमारा जो है 2n-1, इससे हम नंबर ऑफ ग्रुप निकालेंगे तो वो आएगा 5. ओके, तो हम 5 ग्रुप यहाँ पे लिख देते हैं. 1 0 1 2 0 4 1 2 3 0 4 5 2 3 4 5 3 5. इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 1 0 1 4 2 0 2 × 0 1 × 5 3 × 0 1 × 5, ये और ये होगा और ये बीच वाला होगा. ओके, ये इस तरह से होंगे और ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. तो हमने यहाँ पे देखा ये 0, इनको हम सिंपल कर लेते हैं. 0, 4, 13, 22 और 15. हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट लेना है, तो पहले में यूनिट पे 0 है तो इसको हम छोड़ देते हैं. 4 से हम शुरू करते हैं, 4, 3, 2, 5. ओके, फिर जो दहाई वाला अंक है उसको हम एक नंबर आगे बढ़ा के ऐड कर देते हैं. तो 13 का 1 22 का 2 15 का 1, तो और इनको हम ऐड करेंगे तो 5 3 5 5. तो ये 5 5 3 5, ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल 3, 56 इंटू
57 इंटू 68, तो इसके लिए हम इसमें तीन ग्रुप बनेंगे, तो हम 5, 6, 5, 7 और 6, 8 और 7 और 8 ये वाले ग्रुप बनने हैं। ओके, तो इनको हम सोल्व कर लेंगे, 5 इंटू 6, 5 इंटू 8, 6 इंटू 7 और 7 इंटू 8, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। 30, 40 प्लस 42, 56, 30 ये हो जाएगा, 40 प्लस 42, 82, ये 56 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, यूनिट नंबर लेना है। ओके, तो हम लेते हैं इसका, यहाँ लेते हैं 0, 2 और 6। अब इस दहाई जो अंक है वो 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसका दहाई का अंक 8 यहाँ होगा, इसका दहाई का अंक 5 यहाँ आ जाएगा, और इनको हम सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 3, तो 3876 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अभी एग्जांपल नंबर 4 है, मल्टीप्लाई 349 इंटू 986, थ्री डिजिट नंबर है, नंबर ऑफ ग्रुप 5 आएगा। इसके लिए हम इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, आप देख सकते हैं ये 349986 था, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिए। इसके मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिए हैं, तो 3, 3, 9, 3, 4, 9, 8, 3, 4, 9, 9, 8, 6, 4, 9, 8, 6, 9, 6, फिर हम इनको सिंपल कर लेते हैं, 3 इंटू 9, 3 इंटू 8, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 इंटू 6, 4 इंटू 8, 9 इंटू 9, 4 इंटू 6, 9 इंटू 8 और 9 इंटू 6, ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, क्रॉस मल्टीपल। ओके, इसमें ये दोनों सीधा मल्टीपल हुए और ये क्रॉस मल्टीपल हो गए। इसको हमने सोल्व किया तो 3 इंटू 9, 27, 3 इंटू 8, 24, 9 इंटू 4, 36, 18, 32, 81, 24, 72, 54। ओके, सिंपल कर लेंगे हम, 27, 24, 36, 60, ये हो जाएगा 131, 96, 54। अभी हम इनका यूनिट नंबर लेंगे, तो 7, 0, 1, 6 और 4। ओके, अभी इसका जो दहाई का नंबर था वो हमने आगे रखा, और इसका दहाई का नंबर यहाँ ऐड कर देंगे हम, 6, इसका 3, इसका 9, इसका 5। ओके, फिर ये क्या 100 पे भी नंबर था, तो ये 1 हम यहाँ ऐड कर देंगे, इसको सम करेंगे तो 4, ये 1, 1, 4, 4, 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये कुछ एक्सरसाइज के लिए हमको दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम करके देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, तो यहाँ पे डिजिट है 2, तो ग्रुप होंगे 3, तो हमने यहाँ पे 3 ग्रुप बना लिए, 1, 1, 15, 12, 5 और 2, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो गए। ओके, ये 2 प्लस 5 और ये 5 इंटू 10, ये 1710, यूनिट नंबर हमने लिया तो 170, और इसका हमने 10 वाला नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया 180, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इंटू 18, तो हमने यहाँ पे लिखा है 60 इंटू 18, तो यहाँ पे 3 ग्रुप बने, 6, 1, 60, 18, 0, 8, 6 इंटू 1, 6 इंटू 8, 1 इंटू 0, ये यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीपल हो गया। ओके, तो इसको हमने सोल्व कर लिया, ये 6 हो गया, 48 प्लस 0, 0, 6, 48, 0, यूनिट नंबर लिया 6, 8, 0, जो 10 वाले नंबर पे 4 था वो हमने एक नंबर आगे करके ऐड कर दिया, इनको
सम किया तो 1080 इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये पांचवा एग्जांपल है 706 इंटू 56, थ्री डिजिट नंबर है तो ग्रुप बनेंगे पांच, पांच ग्रुप हमने लिख लिए यहाँ पे 707005 706056 065666। अभी हम यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ओके। सॉल्व करेंगे 7 × 0 7 × 5 प्लस 0 × 0 7 × 6 प्लस 0 × 5, ये इसका सीधा गुना है, ये प्लस 6 × 0 0 × 6 प्लस 5 × 6 6 × 6। इनको सिंपल सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 35 42 30 36। यूनिट नंबर इनके लिख लेंगे 75206। इसके बाद में 10 नंबर पे आने वाले जो अंक हैं वो हम लेंगे दहाई वाले, तो ये 3 ये 4 ये 3 ये 3, सम करेंगे 635901, ये इसका आंसर हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है 497, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 497173। सेम यहाँ पे पांच ग्रुप बनेंगे, ये हमने ग्रुप बना लिए 41 4917 497173 977373। इसको हमने सिंपल कर लिया 4 × 1, यहाँ पे हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इनका सामने आमने सामने ऊपर नीचे उर्दू वाला, ओके। सिंपल सिंपलीफाई किया हमने 4 × 1 4 × 7 प्लस 1 × 9 4 × 3 प्लस 9 × 7 प्लस 1 × 7 9 × 3 प्लस 7 × 7 7 × 3 437 82 76 21। यूनिट नंबर लिख लिया 478 47 2 6 और 1, ओके। उसके बाद में दहाई वाले अंक हमने एक नंबर आगे करके लिखे और ऐड कर दिए 3872, तो 85981 इसका आंसर आ गया। अब हम आपकी एक्सरसाइज पाँच से पहला प्रश्न लेते हैं जो उर्ध्वत्रिकभ्याम फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसका पहला क्वेश्चन है एक 101 × 105 101 मल्टीप्लाई बाई 105, ओके। थ्री डिजिट नंबर है तो पांच ग्रुप बनेंगे, पांच ग्रुप हमने यहाँ बना दिए हैं 11 10 10 101 105 0 105 15, ओके। इनको हमने सिंपलीफाई कर दिया है 1 × 1 1 × 0 1 × 0, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये इधर यहाँ पे क्रॉस है, ओके। यहाँ हमने इनको सिंपल किया तो ये आ गया 10605, तो ये सभी यूनिट नंबर है तो हमारा आंसर आ गया 10605, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 121 मल्टीप्लाई बाई 129, ओके। अगेन थ्री डिजिट नंबर है तो ग्रुप बनेंगे पांच, पांच ग्रुप हमने बना लिए हैं, ठीक है 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 9 2 1 2 9 1 9, ओके। अब इनको हम सिंपलीफाई कर लेंगे वैसे ही जैसे अब तक करते हैं, ये यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे और ये यहाँ क्रॉस हो जाएंगे, ओके। इनको हम सिंपल कर लेंगे 1 4 14 29, यूनिट डिजिट हम यहाँ लिख लेंगे 1 4 4 0 9, और जो दहाई का अंक है वो एक अंक आगे बढ़ा के ऐड कर देंगे तो हमारे पास 15609 इसका आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ओके। नेक्स्ट लेसन में हम निखिलम सूत्र वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस